हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफी अवेटेड वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन मार्च में ही आ चुका था। ये आपकी वैकेंसी आई है बिहार में लेखपाल यानी IT सहायक के लिए। बहुत सारे बच्चे 12 मार्च से ही इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया था। अब फाइनली नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से रहेगी। पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ऑलरेडी बता दिया है कि अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट यानी कि लेखपाल या फिर IT सहायक आप इसको बोल सकते हैं। टोटल पोस्ट 6570 है। तो अगर इस पोस्ट के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां पे फॉलो करिए और जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड करके थोरो आउट रीड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट। अभी देखते हैं कि 6570 सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। पहले देख लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल का है 1068 पोस्ट, EWS के लिए 427, SC कैंडिडेट के लिए 853 एंड ST के लिए 85 रहेगा। वहीं पर EBC के लिए 1068, BC के लिए 769। ओवरऑल अगर मेल के सीट की बात करूँ ना तो टोटल आपका 4270 सीट्स रहेंगे। फीमेल्स के लिए जनरल का 575 है, EWS का 230 है, SC के लिए 460 होगा, ST के लिए 46 रहेगा, EBC का 575, BC का 414 एंड ओवरऑल फीमेल्स के लिए ना 2300 यानी 2300 सीट्स रखा गया है। टोटली अगर बात करें कैटेगरी वाइज सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो जनरल के लिए 1643 सीट्स रहेगा, EWS के लिए 657, SC के लिए 1313 यानी 1313 पोस्ट रहेगा, ST के लिए 131, EBC के लिए 1643, BC के लिए 1183 एंड आपका जो ओवरऑल है 6570। पता ही है कि टोटल 6570 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। अप्लाई की डेट की अगर बात करें तो 10 मई से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, परसों से ही ऑनलाइन हो रहा है। लास्ट डेट 9 जून यानी 9 जून लास्ट डेट रहेगा। 9 जून तक इंतजार नहीं करिएगा। आपको पता है कि सर्वर इशू, खास करके बिहार का भी जो भी वैकेंसी आता है उसमें सर्वर इशू की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। अप्लाई करते वक्त फी लिया जाता है जनरल, EWS, BC और EBC से 500 रुपीज़, SC ST फीमेल कैंडिडेट एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से 250 रुपीज़ लिया जाता है। एज लिमिट आपका सबसे पहले देखते हैं किस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। एज ऑन 1 मार्च 2024, 1 मार्च 2024। और फ्रेंड्स, इस डेट के अकॉर्डिंग ही आपका जो एज का कट ऑफ है या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी अगर एक कट ऑफ डेट मानेंगे ना इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो 1 मार्च 2024 रहेगा, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। अब एज लिमिट की बात करते हैं। जनरल और EWS के मेल कैंडिडेट के लिए 21 to 45, 21 वर्ष से 45 वर्ष। जनरल और EWS के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 21 वर्ष से 48 वर्ष। BC एंड EBC मेल और फीमेल दोनों के लिए 21 वर्ष से 48 वर्ष रहेगा। और वहीं पर SC ST मेल फीमेल के लिए 21 वर्ष से 50 वर्ष एज की लिमिट होगी। आई होप इतना बेसिक जो मैंने आपको बताया कि अप्लाई डेट क्या है, फॉर्म फी, एज लिमिट, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। फिलहाल अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन में आपका BCom, MCom या फिर CA इंटर, तीनों में से कोई डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर मान्यता जो दी जाएगी ना, CA इंटर वाले बच्चों को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, हाईली प्रेफर करेंगे उनको।
उसके बाद आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही आसान है। और इस बार जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे फर्जीवाड़ा होते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो साफ साफ बता दिया है कि अब आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उसको क्वालिफाई करोगे आप तो सिंपल सा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम का पैटर्न ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, बट एक मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप तैयारी अच्छे से ढंग से कर पाओ। किस किस विषय से आपका पूछ सकता है, जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब कि आपका आईटी असिस्टेंट के लिए पोस्ट है तो कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंट्स वगैरह की आपको उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरली बाकी के सब्जेक्ट तो आप नॉर्मल जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो हो ही रहा होगा। अकाउंट्स वगैरह को लेकर थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरिट आपका किस आधार पे बनेगा? फ्रेंड्स 50% तो स्कोर आपका रहेगा एग्जाम का बेसिस, 50% क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपको बताया कि सीए इंटर वालों को हाईली प्रीफर किया जाएगा, तो वैसे ही आपका ये डिग्री तीनों में से कोई एक जो है उस पर आपको मार्किंग की जाएगी और 50% आपका जो मेरिट का नंबर रहेगा एग्जाम के बेसिस पर रहेगा। तो जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो सिंपल सा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। सैलरी की अगर बात करूँ ना तो सैलरी आपको 21,700 से 69,100, मतलब कि 70,000 के तक आपको सैलरी दी जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो इसके रिगार्डिंग अपने स्पीड की जो तैयारी करते हैं ना उसको स्पीड कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम वगैरह भी कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा आपको पता है कि इसका मार्च में नोटिस आया, बताया गया कि इस महीने में आपका वैकेंसी आ जाएगा, तो आ गया, तो एग्जाम भी बहुत जल्द होगा और प्रोसेस भी सारा कुछ जल्दी करा लिया जाएगा। तो इस पोस्ट के बारे में आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी हो। आप भी अगर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।